नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एग्रो एकेडमी पर। हमारे चैनल पर एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडी प्रोवाइड किया जाता है। आज हम आपके पास लेकर आए हैं BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी 2021-22 का MCQ प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स कम स्टार्ट दी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक स्तरीकरण का मौलिक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्ग व जाति। क्वेश्चन नंबर 2, संयोग एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संयोजक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन खुशी के सबसे अधिक निकट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सामाजिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 4, समाज मिति विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेरिनो। क्वेश्चन नंबर 5, परिवार किस समूह की अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मूल्य एवं रुचि, मूल्य सीखे जाते हैं, मूल्य कभी लचीला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहार का अनौपचारिक मूल्य आदत एवं परंपरागत पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोकमार्ग। संस्थाकरण का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित लोगों का समूह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समुदाय। समाज एक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मिश्रित। जाति निम्नांकित द्वारा बना वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जन्म। निम्नांकित में कौन सा कथन ज़्यादा सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परिवार। समाजशास्त्र अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समाज का। शिखा व पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित किया जाने वाला सार्वभौमिक स्थिर व गतिशील है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संस्कृति। निम्नांकित में कौन सा राजनीतिक संस्थान है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सरकार। निम्नांकित में कौन सा सर्वाधिक आधारभूत सामाजिक संस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परिवार। निम्नांकित में कौन सा प्रायोगिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए व बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्ति को अपने सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थान में स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, मजबूती से गुथा हुआ समूह कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समुदाय। नियमों अधिनियमों से बनाए गए समूह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, औपचारिक समूह। क्वेश्चन नंबर 22, यूथ क्लब निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वयंसेवी समूह। निम्नांकित में कौन सा आमने सामने के आपसी विवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 24, लिंग संबंधों के आधार पर बने समूह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विवाह। दो या दो से अधिक लोगों के मध्य परस्पर संचार व संपर्क की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समूह। निम्नांकित में कौन मानव संबंधों के विज्ञान से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समाजशास्त्र। लंबे समय से साथ रह रहे समूह जो समान रुचियां व सामान्य मूल्य रखते हैं कहलाते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परिवार। गांव के शासन का तंत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंचायती राज। एक सहकारी समिति उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, औपचारिक समूह का। समाज जाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संबंध का। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तर पर नज़दीकी ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सामाजिक दूरी। शैक्षिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बच्चा अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन लोगों को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नेता। परिवार के लोगों के बीच सहयोग की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 35, एक विशेष कार्य के लिए लोगों को एकत्रित समूह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समुदाय। क्वेश्चन नंबर 36, निश्चित रूप से हम की भावना किसका गुण है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वंशानुगत समूह। क्वेश्चन नंबर 37, समावेशन निम्न की आवश्यकता प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसार शिक्षण का कार्य वांछित परिवर्तन है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लोगों के बीच सामान्य जागरूकता फैलाने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयोगी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत। परंपरागत जजमानी पद्धति किस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आगे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।